हाई एवरी वन वेलकम टू आवर कोर्स तो आज हम यहाँ पे जो है एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी फ्रॉम मार्च 2022 तो मैं जो है आपके लिए कोर्स लेके आई हूँ वो है करंट अफेयर मार्च टू थाउजेंड 2022 तो टॉपिक वाइज जो है वो हम यहाँ पे वो कवर करेंगे तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलिटी का तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए जो है दो वीडियो बनेंगी तो ये जो है पार्ट वन है इसका पार्ट टू जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में जो है लेके आऊंगी तो उसके बाद में हमारा जो मार्च टू के पॉलिटी के करंट अफेयर है ना फिर जाके कंप्लीट हो जाएंगे ओके तो आज हम यहाँ पे जो है पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड फिर पॉलिटी के बाद इंटरनेशनल रिलेशन इकोनॉमी साइंस एंड टेक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मार्च टू के वो सारे हम यहाँ पे वन बाई वन कवर करेंगे राइट स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है आर्टिकल थ्री राइट right? आर्टिकल 355 जो है ये न्यूज में है क्यू न्यूज में है पहले वो देखते हैं एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट क्या है तो कांग्रेस पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में उन्होंने ये डिमांड किया है डेट कि वेस्ट बंगाल की जो लो एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो टोटली totally जो है वो खराब हो चुकी है एंड यहाँ पे आर्टिकल थ्री जो है वो इन्वोव कर देना चाहिए सो so डेट की स्टेट इज गवर्न एज पर दोवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो डेट की स्टेट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अकॉर्डिंग

आर्टिकल 355 में है क्या

ड्यूटी है ये आर्टिकल 355 बोलता है उसके अलावा दूसरी चीज क्या बोलता है दैट टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी यूनियन की ड्यूटी है कि उसे ये इंश्योर करना है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम कर रही है या नहीं कर रही है तो ये दो ड्यूटीज जो है वो यहाँ पे आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव में इंक्लूडिंग जो है इंक्लूड की गई है किसके लिए यूनियन के लिए जो यूनियन होती है यहाँ पे उसके लिए जो है ये ड्यूटीज उसकी बनती है ओके सो ये जो सेकेंड ड्यूटी है ना यहाँ पे ये वाली जो सेकंड ड्यूटी है इसके कई सारे एंगल्स है है इसे जो कई सारे एंगल से हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला एंगल क्या है लॉ एंड ऑर्डर एंगल पहले जो है एक तरह से यूनियन को ये भी देखना पड़ता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे सही चल रहा है या नहीं चल रहा है कि स्टेट उस लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रही है नहीं कर रही है सो द पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज मैनर्स राइट हाउ एवर जो है यूनियन को चेक करना होता है

सी अंडर इट इज सीन एज एन इंस्ट्रूमेंटाई दिन देनी होती है किसे देनी होती है यूनियन को आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू एंड आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स के अंडर जो है एमरजेंसी क्यों इंपोज की है उस पर्टिकुलर स्टेट में ओके तो ये भी काम यहाँ पे यूनियन का ही बनता है दो एंगल से हम यहाँ पे देख सकते हैं सो वाइल आर्टिकल थ्री टू इम्पावर देंटर टू इम्पोज एमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू क्या है यहाँ पे कि इसके थ्रू जो है ना सेंटर को पावर मिलती है कि वो एमरजेंसी जो है लगा सकती है वेन एन आर्म रिबेलियन अकर्स अगर यहाँ पे कोई भी आर्म रिबेलियन जो है होता है एंड सच प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी फॉर द इंटरनल डिस्टर्बेंस

के अंदर जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में एमरजेंसी क्यों लगाई है ओके okay? जस्ट जो है थोड़ी बहुत वहां पे इंटरनल डिस्टरबेंस होगी इसका यह मतलब नहीं है कि वहां पे जो है वो आर्टिकल 355 का के अंदर जो है ना आर्टिकल 352 के अंदर जो है वहां पे एमरजेंसी लगा दे सो so, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल हो गया ओके okay, ये जो है बिल अभी इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में तो ये देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं अभी ये बिल जो है इसे इंक्लूड किया गया है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है अभी जो है ये लॉ नहीं बना है जस्ट जो है इसे इंट्रोड्यूस ही किया गया है तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बिल जो है वो लॉ किस तरह से बनता है सो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्रिमिनल प्रोसीजर बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा सो आफ्टर दी इंट्रोडक्शन ओम्पोजिशन जो है ना वो दो दड़ों में बट गया है तो कुछ 120 सौ जो है वो इस बिल के जो है फेवर में है एंड फिफ्टी एट जो है वो इसके खिलाफ है तो देखते हैं इसमें है क्या इस बिल में तो इसमें क्या है इट इट्सिक्स टू रिपील द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट नाइनटीन टवेंटी एक पहले यहाँ पे जो है ना एक्ट था नाइनटीन ट्वेंटी का उसके अंडर प्रिजनर की जो आइडेंटिफिकेशन की जाती है उसे रिपील किया जाएगा एंड नए तरीके जो है ना आइडेंटिफिकेशन के वो इस क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के अंडर जो है वो लाए जाएंगे

जो इंफॉर्मेशन है वो ले सके ओके okay? तो यहाँ पे लिमिटेशन है इस एक्ट में सो इट ऑथोराइज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स ऑफ दन्विक्ट एंड अदरसन फॉर दर्पजस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल मैटर्स तो इसके अंडर क्या होता है कि जो लॉ इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ना वो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल जो होते कन्विक्ट के उसे कलेक्ट कर सकते स्टोर कर, कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं एंड कुछ किसी दूसरे पर्सन की भी जो है ना उसकी भी जो है वो एक तरह से सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन द क्रिमिनल मैटर्स ऑल्सो ऑथोराइज दुलिस पुलिस को भी जो है अब वो ऑथोराइज करता है कि वो सिग्नेचर्स को भी रिकॉर्ड कर सकता है हैंडराइटिंग को रिकॉर्ड कर सकता है या फिर जो दूसरे बिहेवियरल एट्रीब्यूट है ना यहाँ पे जो की सेक्शन फिफ्टी थ्री और सेक्शन फिफ्टी थ्री ए है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के 1973 के उसे भी यहाँ पे वो जो है रिकॉर्ड कर सकता है तो आप जो लिमिटेशंस है ना इस नए बिल के थ्रू थोड़ी सी वो रिलीज हो चुकी है मीन I mean, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर की जा सकती है किसी भी कन्विक्ट की सो एज पर बिल एनी पर्सन जो भी कन्विक्टेड है अरेस्टेड है और जिसे जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दी टू अ पुलिस ऑफिसर और अ प्रिजन ऑफिशियल राइट उसे जो है यहाँ पे मेजरमेंट्स देनी ही होंगी जिस पर्सन को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया है कन्विक्ट किया गया है या फिर जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जो है जिसे रखा गया है पुलिस ऑफिसर उसकी मेजरमेंट्स ले सकता है सो एनी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी को जो है वो नोटिफाई कर सकती है मीन वो जो है नोटिफाई कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एजेंसी को बोल सकती है कि आप जो है मेजरमेंट्स ले सकते हैं किसी पर्सन की सो रेजिस्टेंस टू और रिफ्यूज टू अलाउ द टेकिंग ऑफ मेजरमेंट्स एंड अगर वो कनविक्ट जो है जिसकी मेजरमेंट्स लेनी है वो रिफ्यूज करता है कि आप मेरी मेजरमेंट्स नहीं ले सकते हैं राइट right? या फिर जो है जो एट्रीब्यूट्स है उसे कलेक्ट कर सकते हैं सैंपल्स ले सकते हैं ऐसे कर देने से जो है वो मना करता है अपनी मेयर से अंडर दिस एक्ट तो उसे जो है एक ऑफेंस माना जाएगा उसे भी अंडर दिस सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पेनल कोड राइट ये भी चीज आपको याद रखनी है सो द बिल लुक्स फॉर टू डिफाइन वायरमेंट टू इंक्लूड फिंगर इम्प्रेशन तो कौन कौन सी वायरमेंट इसके अंडर आती हैं फिंगर के इंप्रेशन हो गए पाम का प्रिंट हो गया फुट प्रिंट इंप्रेशन हो गए फोटोग्राफ्स आयरिस रेटिना स्कैन फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड उन सभी का एनालिसिस हो गया वो इसमें जो है मेजरमेंट्स के अंडर आता है मेजरमेंट्स का मतलब जो है वो उन्होंने ये समझाया कि मेजरमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो ये बिल जो है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसे भी जो है इम्पावर करता है कि वो कलेक्ट कर सकता है स्टोर कर सकता है एंड प्रिजर्व कर सकता है द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स फॉर शेयरिंग डिसमिनेशन डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड मजिस्ट्रेट को भी इंपावर करता है टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव मेजरमेंट्स के मजिस्ट्रेट जो है ना उसके पास भी अभी ये पावर होगी कि जो है कि किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप अपनी मेजरमेंट्स दें एंड ए मजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो डायरेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशल्स तो मजिस्ट्रेट जो है वो लॉ है इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स को भी जो है वो क्या कर सकता है डायरेक्ट कर सकता है ऑर्डर दे सकता है कि, कि किसी बंदे की फिंगरप्रिंट्स फुटप्रिंट इंप्रेशन या फिर फोटोग्राफ्स जो है वो आप ले सकते हैं एंड इवन पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स जो होते हैं ना उनके पास भी पावर होती है कि वो किसी बंदे की मेजरमेंट जो है वो ले सकता है ओके okay? जिस जो कि शक के बिना पे जो है यहाँ पे ली जा सकती है तो अब इसकी नीड क्या है इम्पॉर्टेंस क्या है इस बिल की तो ऑब्वियसली आप जो है ना ज्यादा बड़ी स्कोप में जो मेजरमेंट्स है वो ली जा सकती हैं पहले जो लिमिटेशन थी राइट uh, right की ज़्यादा जो है एक तरह से मेजरमेंट्स नहीं ली जा सकती थी आप जो है ज़्यादा स्कोप में किसी बंदे की किसी एम, जो पर्सन का एम्बिट होता है ना वो एक्सपेंड हो चुका है में जो स्कोप है ना यहाँ पे मेजरमेंट्स की वो ज्यादा एक्सपेंड हो गई है इस बिल के थ्रू ओके okay? जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इंफॉर्मेशन अब जो है ज़्यादा अवेलेबल होगी इनके पास किस के पास जो कि जो भी एजेंसीज़ होती हैं जो भी यहां पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं सो द बिल विल नॉट ओनली हेल्प इन्वेस्टिगेशन तो इस बिल के थ्रू क्या होगा कि जब ये लॉ बन जाएगा तो इसके थ्रू जो इन्वेस्टिगेशन में तो हेल्प होगी ही इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उन्हें तो हेल्प होगी ही बट इवन जो प्रोसिक्यूशन है ना उसे भी इंक्रीज कर देगा सो देर इज ऑल्सो चांस ऑफ एन इंक्रीज इन दिन रेट्स इन द कोर्ट थ्रू दिस तो अब जो कोर्ट्स में जो पेंडिंग पड़े हुए ना केस वो भी जल्दी से जल्दी जो है निपटाए जा सकेंगे जब इनके पास जो है ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो, जो है वो अवेलेबल होगी ओके, okay? so, ये चीजें हैं अभी तक तो दो टॉपिक जो है आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं पॉलिटी के है, बाकी जो है जो टॉपिक्स हैं वो सेकंड पार्ट में जो है लेके आऊंगी तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूले थैंक यू सो मच हैव बाय